तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लूप। तो जैसे कि लूप के दो पार्ट होते हैं, जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि लूप में फोर होता है, एक हमारा डू होता है। फोर में एक आई जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन आई कहां था, लेकिन हम लोग बोलते हैं आई उसको, जिसमें हम वन टू कोई नंबर्स देते हैं स्टार्टिंग टू एन। तो वन से स्टार्ट हो गारंटी नहीं है, आप इसमें स्टार्ट टू एंड कर सकते हैं, स्टार्ट टू एंड बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इच। अब इच लूप कहां यूज करता है इस चीज को जान लीजिए। इच लूप का यूज होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिखता हूं और मुझे क्या है कि इस नंबर में कुछ ढूंढने हैं। जैसे आप मान लीजिए पिवट टेबल लगाते हो, मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेट लगाते हो, कॉपी लगाते हो या कोई भी एक्सेल का फंक्शन लगाते हो, उससे पहले क्या करना होता है, डेटा को सिलेक्ट करना होता है और आपका वो सिलेक्टेड डेटा के ऊपर ही वर्क करता है। जैसे मैंने मान लीजिए कि इतना एरिया सिलेक्ट किया और फिर कलर किया, तो इतना एरिया पे ही वो कलर अप्लाई होता है। मान लीजिए कलर करना एक माइक्रो है, तो माइक्रो कहां पे ट्रिगर होगा, जितना सिलेक्टेड होगा, चाहे एक हो चाहे 100। उसी तरीके से मान लीजिए कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग रन करें, तो अब तो अगर नॉर्मल लूप लगाएंगे तो मुझे स्टार्ट टू एंड देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों दो लूप लगाने पड़ेंगे, तो ये तो फिक्स हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना है कि यूजर को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करके अपना काम करे, उस केस में हम इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया में जो ग्रेटर देन 50 होगा उसको यहाँ एच कॉलम के ऊपर एक के नीचे डाल देगा। चलिए तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर वन, हम यहां पे लिखते हैं डिम आर एज ए रेंज। एक रेंज आपको लेना पड़ेगा, याद रखिएगा फोर देंगे कि फोर इच आर इन सिलेक्शन। अभी चीज को देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, अब ये ऑब्जेक्ट डिफाइन है बट असाइन नहीं है। जैसे आप असाइन करने के लिए लिखते हैं ना सेट आर इक्वल टू एक रेंज देते हैं, तो ये असाइन नहीं है, कोई रेंज नहीं है। तो हमने यहां पर असाइन किया कि फोर आर फॉर इच आर इन सिलेक्शन, माने कि सिलेक्शन के एवरी सेल को आर डिफाइन कर दे। तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट आर इज इक्वल टू सिलेक्शन, नहीं ऐसे नहीं, इच सिलेक्शन अगर कर देते हैं तो देखिए सिलेक्शन कर देते हैं तो ओवरऑल ले लेता है ना वो, लेकिन यहां भी क्या है, एक मिनट में बात कंप्लीट कर दीजिए। यहां पे क्या है कि वो वन बाय वन चलेगा इस तरह से, वन बाय वन, पहले आर आपको मान लीजिए कि इस तरह से चलेगा आपका, तो शुरुआती दौर में आपका आर क्या होगा, आर होगा बी टू, फिर हो जाएगा सी टू, फिर हो जाएगा डी टू, फिर ई टू, इस तरह से चलेगा सर, ठीक है। इसलिए हमें यहां पे देना हुआ कि फोर इच आर इन सिलेक्शन। अब बोलिए क्या बोल रहे थे आप सुजीत जी, एक बार उसमें और क्लैरिटी, क्योंकि हमारी क्लास में वो डिस्कस नहीं रहा, उस सेट का जो आप बता रहे थे ना सर, सेट मैंने डिस्कस किया था, फिर बता दूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, जैसे कि रेंज हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब डेटा के अलावा एबीसीडी 1 2 3 के अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट डिफाइन होते हैं तो उसको हम सेट करते हैं, सेट आर इक्वल टू देते हैं। हम डायरेक्ट आर इक्वल टू नहीं करेंगे, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी कि आप कुछ सामान खरीदते हो लेकिन जमीन खरीदी नहीं जाती है, जमीन ट्रांसफर होती है, समझ गए? ठीक ठीक सर, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। आगे बढ़े सर। हाँ जी हाँ जी, और यहाँ पे नितिन मलक जी व्हाट्सएप मत कीजिए, मैं मोबाइल देखूं या कंप्यूटर स्क्रीन देखूं? नहीं नहीं सर, वो तो तभी गया था, क्लास से पहले ही गया था, मुझे अभी आया है मैसेज।
नहीं सर, क्लास से पहले ही है। वो लग रहा है कि आपका हेडफोन वर्क नहीं कर रहा, आप व्हाट्सएप कर रहे। ओके, तो ये समझ में आ गया कि हमने फॉर ईच आर इन सिलेक्शन क्यों लिखा और कैसे परफॉर्म करेगा ये। तो वन बाय वन जो है आर को वो असाइन कर लेगा। अब जो आर पे करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कंडीशन दिया कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन, जैसे रेंज डॉट वैल्यू लिखते थे, अभी रेंज यहाँ पे आर हो गया, इसलिए हम आर डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रेंज एच 65,000 डॉट एंड और यहाँ पे एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर डॉट वैल्यू। ठीक है, आर डॉट वैल्यू और फिर एंड। तो ये कैसे परफॉर्म करेगा देख लीजिए। ये परफॉर्म करेगा वन बाय वन, पहले 86 को चेक करेगा ग्रेटर 50 उठा के डाल देगा, फिर इसको चेक करेगा अगर ग्रेटर 50 तो उठा के डाल देगा, फिर इसको ऐसे करके वन बाई वन से चेंज करेगा। और जैसे ही रन होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं तो और समझ में आ जाएगा आपको। अब जो एग्जांपल दे रहे हैं वो फीचर्स एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि एमएस वर्ड में अगर कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया पूजा, मुझे इसको क्या करना है कैपिटल में कन्वर्ट करना है, मतलब कैप्स में, कैप्स में होता है ना वहां कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो एमएस वर्ड में क्या होता है कि आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास ये यहाँ पे होता है अपर केस, अपर केस में आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता, एक्सेल में आपको लगाना होता है फॉर्मूला अपर अपर और फिर इसको अपर में कन्वर्ट करता है। सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं ए आपका अलग अलग हुआ इस तरह से हुआ, तो आपको हर कॉलम में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या सर? तो मुझे क्या करना है कि मैं एमएस वर्ड की तरह सेलेक्ट करूं और इसको कन्वर्ट करूं। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे देते हैं कि डिम आर एज ए रेंज जोड़ी है, फिर देंगे बिफोर इच आर इन सिलेक्शन और फिर आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यू केस आर डॉट वैल्यू और नेक्स्ट आप एरिया को सिलेक्ट कीजिए और इस माइक्रो को लूप टू को रन कीजिए। अब बताइए इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है सर? ये मतलब ये जैसे कोड लिख दिया उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे फिर देन कोड चलाएंगे, इस लूप टू को रन करने से पहले सिलेक्शन करना। ठीक है, अब दूसरी बात है कि मैं फिक्स एरिया रखना चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ए से डी का डी फिक्स हो जाए। तो जरूरी है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन लिखिए, आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि रेंज ए वन से डी 13, इसको आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, सर आप कह रहे थे इसमें क्या एक प्रॉब्लम है, क्या चीज की प्रॉब्लम है?
मैं कॉलम को नहीं बताया, ऐसा भी कॉलम नहीं बोला मैंने। हमने बोला कि आप अगर सिलेक्शन नहीं करना चाहते हो, एरिया फिक्स करना चाहते हो, तो यहाँ पे ले सकते। ओके ओके ठीक है आशीष जी, को डाउट नहीं सर? ठीक है, नाराज ना आपको। चलिए तो आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ गया आपको कि रेंज का? और एग्जांपल दूं आपको, फंक्शन में इसका काफी ज्यादा यूज करेंगे हम आगे चलते। जो फंक्शन होगा ना सर, उसमें उसमें हम काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं एरे, एरे का। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने किया आरआर, सॉरी सर एक एक, एक चीज पूछनी है इसमें। अगर मैं ये लिखता हूँ dim r as range and set r equals to range a1 to d13, तो वो चीज गलत हो जाएगी उस टाइम पे? कोई और कोड भी लिख सकते हैं मतलब कुछ? देखिए इसमें क्या है कि आप इसे समझ रहे हैं ना कि आप हम रेंज यहाँ डिफाइन करके फिर उस पे असाइन कर देंगे, तो वो चीजें नहीं है। याद रखिएगा आप असाइन यहाँ कर सकते हैं कि आपने एक और रेंज ले लिया डिम के एज ए रेंज, और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि सेट के इक्वल टू, और आप जो ए रेंज है आपका ए रेंज यहाँ दे सकते हैं। आपको एक रेंज को खाली रखना पड़ेगा सर। ओके ओके, एक रेंज को आप खाली, जो आपका आर जो है उसको खाली रखना पड़ेगा, तभी तो ये असाइन करेगा ना। अगर मान लो आप असाइन भी कर देते हो तो रिप्लेस कर देगा। ओके मतलब वो कोड फिर गलत हो जाएगा, मतलब मैं अगर कहता हूँ आर, रिप्लेस कर देगा ना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया के की जगह पे आर, राइट ना, और फिर यहाँ आर इंटू के कर दिया और के कुछ और है, तो वो के को रिप्लेस कर देगा, इसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है समझ गया ना, एक आपको एक खाली रखना पड़ेगा। सर इसी में क्वेरी, हाँ बोलिए सर। मैंने जैसे आपने एक वो भेजी थी पीडीएफ, उसमें बस एक लाइन और ऐड, उसकी क्लैरिफिकेशन कर दो कि आप जहाँ पे यूज कर रहे हो फॉर ईच आर इन के, उसके अपर साइड ये लिखते हैं सिलेक्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सिलेक्शन डॉट वैल्यू, वो क्या चीज है, उस लाइन का क्या मतलब हुआ? सिलेक्शन डॉट वैल्यू मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कि आर की वैल्यू इक्वल टू यू के आर की वैल्यू, तो सिलेक्शन की वैल्यू के वो सिलेक्शन की वैल्यू चेंज करते हैं, कुछ और करके चेंज करते हैं। सिलेक्शन सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू सिलेक्शन डॉट वैल्यू तो कुछ होगा ही नहीं सर, जस्ट के पास रह जाएगा। 50 इक्वल टू 50 जस्ट के पास रह जाएगा, 50 ही रहेगा ना। हाँ लेकिन कंडीशन वगैरह लगाते हैं तो उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने लिखा है सिलेक्शन डॉट वैल्यू ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्या होता है कि सर ये सारी पीडीएफ में मतलब कई कोड्स में देखा मैंने, यही लिखा है कि सिलेक्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सिलेक्शन डॉट वैल्यू, वो देखना पड़ेगा। एक मिनट में देखता हूँ, अभी अभी मैं देखता हूँ। व्हाट्सएप किया है उस कोड में भी ये है, आपके व्हाट्सएप में भी देखता हूँ। आपने भेजा है ना? ये है रिमूव द नेगेटिव साइंस। सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू सिलेक्शन डॉट वैल्यू से कुछ होगा तो नहीं, सेम का सेम रहेगा। ये एक्चुअली काफी कोड्स में उन्होंने ये लिख रखा है सिलेक्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सिलेक्शन डॉट वैल्यू, मतलब क्या लगे सेम ही होगा, इससे कुछ फर्क नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। चलिए तो अब हम इसमें बात करते हैं एरे का। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, हमने बताया था यूनिक रिकॉर्ड्स के, बोला था ना सर। अब चलिए यूनिक रिकॉर्ड्स को समझते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगाया, बोला कि dim r, और r को हमने कर दिया 1 to 10, राइट।
एज ए लॉन्ग। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई यहाँ पे आर वन इक्वल टू फाइव कर दिया, आर टू इक्वल टू टेन कर दिया, आर थ्री इक्वल टू 20 कर दिया, राइट। अब मुझे क्या है कि जितने भी वैल्यू असाइन है ना उसको मुझे प्रिंट करना है या मैसेज में देना है, मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कि फोर इच आइटम इन आर एम एस जी बॉक्स आइटम, और यहाँ पे नेक्स्ट आइटम, समझ गए सर। फॉर ईच आइटम एक ही आइटम एक अलग से वेरिएबल हो गया। हाँ, एरे जब यूज करते हैं तो हमें आइटम देना पड़ता है, डिफाइन करके जो भी आइटम मिलते हैं ऑटोमेटिकली है, मतलब प्री डिफाइंड है। ओके, फाइव को दिया, टेन को दिया और ट्वेंटी दिया, उसके बाद दस तक वो जीरो जीरो देगा, इसके अंदर जितने भी है वो यहाँ भी आपको शो कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ हम जब एरे इस्तेमाल करते हैं तो हम एवरी आइटम के लिए आइटम देते हैं, या फिर एक चीज और होता है इसमें हम एक और काम करते हैं जब एरे देते हैं तो यहाँ देते हैं फोर यू बाउंड, ये बताया था मैंने आपको, टू लो बाउंड, लो बाउंड टू यू बाउंड। नहीं सर ये नहीं पता, सॉरी फोर आई इक्वल टू करना पड़ेगा, स्पेस रहेगा, लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, ये तो है तो यहाँ हम लोअर बाउंड में ए देंगे, मतलब कि एरे का नाम एक्चुअली आर देंगे, एरे का नाम आर है ना हमारा, एक दे दिया, हाँ आर देंगे और यहाँ पे आर आएगी, तो एरे इसके भी इस्तेमाल होता है। एक ही बात पे दो मैक्रो है, पांच दस बीस ये पूरा चलेगा इस तरह से, ठीक है सर। तो एरे भी इस्तेमाल करते, तो एरे में आप एक इस फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लोअर बाउंड कम से ज्यादा चलता है, अपर लो एंड चलता है, और दूसरा यहां पे आपका आइटम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि हमने न्यू कलेक्शन भी किया था। अब समझ में आया कि आइटम का इस्तेमाल क्यों होता है। तो एरे मतलब कि एक ही वेरिएबल्स पे कई सारे वैल्यू स्टोर हो, तो उस केस में हम यहां इस तरह से इसका फोर ईच लगा के, फोर ईच आइटम लगा के इस्तेमाल करते हैं। फोर ईच आइटम ना लगाए तो फिर आपको यहाँ पे लोअर बाउंड टू अपर बाउंड लगाना पड़ता है सर। तो आइटम का सर ये चीज हो गया कि उस एरे के अंदर हर एक जो आइटम है, मतलब हर एक जो सेल है, तो जो आपने पहला कोड करवाया था जिसमें आपने लिखा है इन सिलेक्शन करके, हम ये भी उसमें लिख सकते हैं ना, फॉर ईच आइटम इन सिलेक्शन, फॉर ईच, नहीं कर सकते। आइटम तो फिक्स हो गया एरे के लिए ना, जहां जिस डेटा टाइप के लिए काम करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेगा सर। ओके ओके ठीक है, ठीक है ना। ये किसी एरे में, किसी एरे डेटा टाइप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए तो फिर आपको सिलेक्शन अप्लाई लेके चलना पड़ेगा। हाँ मतलब जैसे सर एक तरीके से जो हम सेल भी सेलेक्ट करते हैं, रेंज को ही सेलेक्ट करते हैं, वो भी एक तरीके की एरे ही तो है। मतलब मैं जैसे एरे है तो लेकिन ऑब्जेक्ट है ना सर, उसका एड्रेस डिफाइन है ना। ओके ठीक है सर, ओके
तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए सर, ठीक है, फिर सर आपको हम, सुजीत सर, बोलिए। एरे का मतलब मैं ये थोड़ा सा एक बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, एरे का समझा दीजिए, मतलब एक ही एरे होस्ट हुआ पे कि एक, काफी। एरे का मतलब हुआ कि एक डेटा टाइप पे कई सारे वैल्यू को स्टोर कर, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं, एरे इन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि वर्क बुक वर्कशीट पे किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। ठीक है ना।